वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं राकिया। हमारे कुछ कुछ बॉडी पार्ट्स ना बहुत ज्यादा डार्क हो जाते हैं, जैसे हमारी गर्दन डार्क हो जाती है, हमारे अंडरआर्म्स डार्क हो जाते हैं, प्राइवेट पार्ट्स आपके डार्क हो जाते हैं, ये तो डार्क हो ही जाते हैं। और बाकी अगर हम हैंड्स, फीट्स और बाकी चीजों की बात करें तो वो टैन हो जाते हैं। ठीक है, तो आपकी जो भी ये समस्या है, जो भी ये प्रॉब्लम है, उसको मैं सॉल्व करने वाली हूँ। जापान का ये स्किन व्हाइटनिंग फॉर्मूला बहुत ही फेमस हुआ है, बहुत ही फेमस हो रहा है। आपको जापान जाने की जरूरत नहीं है, इसको आप अपने घर बैठे घर की चीजों से कैसे ये रिजल्ट को अचीव कर सकते हो। यस, इससे आप अपनी फुल बॉडी को लाइटन और वाइटन कर सकते हो, चाहे आपके नेक हो, अंडरआर्म्स हो, हैंड्स हो, फीट हो, इवन आप इसको अपनी प्राइवेट पार्ट्स पे भी यूज कर सकते हो। गाइस, ये आपकी स्किन को लाइटन और वाइटन करेगा। ठीक है, तो ये चीज को आज मैं क्या करने वाली हूँ, मैं हमेशा आपके सामने करके दिखाती हूँ, लेकिन इस बार मैं इस वीडियो में आपके सामने ही बनाऊंगी, आपके सामने अप्लाई करूंगी और आप ही के सामने जो रिजल्ट होगा वो दिखाऊंगी। एक्चुअल रिजल्ट, लाइव रिजल्ट जो भी होगा वो आप देख सकते हो। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हमारे आज के धमाकेदार वीडियो से। वीडियो पसंद आएगा तो आपको करना है इस वीडियो को लाइक और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में शेयर भी करना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है अगर आपने अब तक नहीं किया है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के ऑसम वीडियो से। तो ये स्किन व्हाइटनिंग पैक या ये बॉडी व्हाइटनिंग पैक को बनाने के लिए जो सबसे पहली चीज हमको लगेगी वो है ये कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर जो है ये आपकी स्किन की व्हाइटनिंग के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये आपकी स्किन को रिजुवेनेट करता है और अगर आपके स्किन में जो भी डेड सेल्स है उसको रिमूव करता है। तो यहाँ पे मैं कॉर्नफ्लावर की तकरीबन 3 चम्मच मैं यहाँ पे ले रही हूँ। ठीक है, इसका साथ देने के लिए पैक को और भी ज़्यादा पावरफुल बनाने के लिए आप अगर स्किन व्हाइटनिंग और भी बहुत अच्छी तरीके से करना चाहते हो तो ये घर में अमूमन जो हम लोग यूज़ करते हैं गेहूँ का आटा, गेहूँ को आप बहुत ही हल्के में मतलब ये बहुत ही बेहतरीन चीज़ है आपकी स्किन से मेलानिन का जो डिपोजिशन हुआ है उसको रिमूव करने के लिए। हमारी स्किन डार्क क्यों दिखती है, हमारी स्किन मेलानिन की वजह से डार्क दिखती है। तो ये जो है हम लोग इसमें डालने वाले हैं तकरीबन 3 चम्मच गेहूँ का आटा और इसके बाद में हमारे जो इस पैक को और भी ज़्यादा बेहतरीन बनाता है ये मिल्क। दूध में प्रेजेंट लैक्टिक एसिड आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करती है और आपकी स्किन को लाइटन करती है। ठीक है, तो आपको यूज़ कितना लेना कितना है इसमें दूध, फिलहाल मैं यहाँ पे ले रही हूँ तकरीबन 3 चम्मच दूध की। दूध के बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा दही। ये दही का सारा पानी मैंने निकाल दिया है। दही में ज़्यादा लैक्टिक एसिड होता है एज कम्पेयर टू मिल्क और ये आपकी स्किन को ज़्यादा लाइटन करता है, ब्राइटन भी करता है, रेडियंट भी बनाता है एज कम्पेयर टू मिल्क। तो इसीलिए मैं यहाँ पे दही और दूध दोनों का कॉम्बिनेशन ले रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ तकरीबन 2 चम्मच हंग कर्ड की। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो चीज़ मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वो ये है, ये जो है ये एक्टिवेटर है, ये ब्लीचिंग जो हमारी क्रीम्स होती है नॉर्मली उसके साथ में आता है। मेरे पास ये थोड़ा सा रखा हुआ है इसलिए मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो इसको टोटली स्किप कर सकते हो और अगर आपको ऐसा डर है कि ब्लीचिंग वगैरह हम अपने स्किन पे नहीं कर सकते तो येस, आप नहीं कर सकते आपके फेस पे क्योंकि आपकी फेस की स्किन बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होती है। लेकिन अगर आप अपने बॉडी पे इसको कर रहे हो, इसलिए मैंने पहले कहा ये आपके फेस के लिए नहीं आपकी बॉडी के लिए, अगर आप इसको बॉडी पे कर रहे हो तो आप बेझिझक इसको यूज़ कर सकते हो, ये आपकी स्किन को हार्म नहीं करेगा, इनफैक्ट आपकी स्किन को व्हाइटन और ब्राइटन करने में हेल्प करेगा। और लास्ट और फाइनल चीज़ जो हमें डालनी है वो ये एक्सफोलिएशन के लिए, केमिकल एक्सफोलिएशन के लिए आपको इसमें डालनी है ताकि आपकी जो मेलानिन है वो भी निकल जाए और आपके डेड सेल्स भी निकल जाए। और ये है पिसी हुई चीनी। ठीक है, इसमें मैं तकरीबन 1.5 चम्मच ये पिसी हुई चीनी डाल रही हूँ। बस यही चीज़ें आपको चाहिए ये बॉडी वाइटनिंग पैक बनाने के लिए, इसके अलावा आपको और कुछ नहीं चाहिए। और इसको बस आपको अभी अच्छी तरीके से ना मिक्स कर लेना है। ये जो कॉर्नफ्लावर है ये थोड़ा सा जम जाता है तो मुझे थोड़ी सी अभी मिल्क की ज़रूरत पड़ी है, जैसे मैंने कहा आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पे मैं फिर से थोड़ा सा मिल्क ऐड कर रही हूँ। मिल्क नेचुरल क्लिनजर है, ये आपकी स्किन की सारी इम्प्योरिटीज़ को निकाल देगा। इसको अच्छे से और मिक्स करने के लिए मैं इसका सहारा ले रही हूँ। ठीक है, ब्लीचिंग एक्टिवेटर का आप टेंशन नहीं लेना, ये वो आप अगर इनकेस अगर आप इसको स्किप करना चाहते हो तो उसकी जगह पर आप डालना विटामिन सी का पाउडर और थोड़ा सा विनेगर, बस सुपर। इसकी कंसिस्टेंसी आप देखो बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। सो बन के रेडी हो गया हमारे बॉडी व्हाइटनिंग स्किन व्हाइटनिंग ब्राइटनिंग पैक। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि जब आप बनाओगे इसको तुरंत आपको अप्लाई करना है, ज़्यादा इसको बनाकर आप वेट नहीं कर सकते। तो इसलिए मैंने आपको कहा कि मैं आपको लाइव रिजल्ट दिखाने वाली हूँ। मैं 2 सेपरेशन बना रही हूँ ताकि रिजल्ट जो है वो मुझे और आपको दोनों को क्लियर दिखे। सो यहाँ पे मैंने लगा लिया है एक टेप ताकि ये एरिया में मैं अप्लाई करने वाली हूँ तो यहाँ का जो डिफरेंस है वो मुझे प्रॉपरली दिखे।
वैसे मैं ऑलरेडी देख चुकी हूँ लेकिन मैं कंफर्म फिर से करना चाहती हूँ। सो शुरू करते हैं हमारे इस पैक से। इसमें तीनों चीजों, आटा हमने यूज किया है, दोनों आटा और शक्कर, तीनों आपके स्किन को एक्सफोलिएट करेगा, आपकी डेड स्किन को रिमूव करेगा। नॉर्मली हमारी स्किन जो डार्क दिखती है वो डेड सेल्स की वजह से होती है, कभी कभी हमको पता नहीं होता, हम जो है अपनी बॉडी को अच्छे से स्क्रब नहीं करते, तो ये आपकी स्किन को अच्छे से स्क्रब भी करेगा, आपकी स्किन को व्हाइटन करेगा। ट्रस्ट में, ये आपकी स्किन को व्हाइटन करेगा, ब्राइटन करेगा, और जो भी मेलानिन है, जो प्रोडक्शन हुआ है, उसको रिमूव करेगा। और ये जो दोनों आटा मैं यूज कर रही हूँ, ये इनकेस अगर आपकी बॉडी पे कहीं पे पैचेस है, स्पॉट्स है, डार्क स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है, तो ये उसको भी रिड्यूस करेगा। हम सोचते हैं कि नेचुरल इंग्रेडिएंट्स क्या काम करेंगे, इनको अगर आप इंडिविजुअली यूज करोगे ना, ये इतने काम नहीं करते, लेकिन जब आप इनको कॉम्बिनेशन में यूज करते हो, जैसे जब आप गेहूं के आटे को दूध के साथ कंबाइन करते हो, तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे आपको पता नहीं होता है कि हमको किसके साथ में क्या चीज कंबाइन करनी है, हम किसमें भी कभी कुछ भी मिला देते हैं और यूज करते हैं, लेकिन कुछ कुछ कॉम्बिनेशन ऐसे होते हैं जो ज्यादा काम करते हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, ये अमेजिंग है आपकी बॉडी को, फुल बॉडी को व्हाइटन करने के लिए। और एक चीज मैं आपको साफ साफ बताना चाहती हूँ कि ये इसका रिजल्ट आपको फैंटास्टिक आने वाला है, नो डाउट, मुझे यकीन है, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। आप इसको परमानेंट सोच रहे हो, एक बार कर लिया हो गया, ऐसा नहीं होता है। आफ्टर एवरी 10 to 15 days आप इसको रिपीट करते रहना, ताकि आपका जो रिजल्ट है वो मेंटेन रहे। हर चीज में जब तक आप अपनी स्किन का ख्याल नहीं रखोगे, रिजल्ट कुछ भी मेंटेन नहीं होता है। वेट लॉस आपने किया, आप प्रारंभ ध्यान नहीं दोगे तो मेंटेन होगा क्या, फिर से गेन कर लोगे, तो ऐसी स्किन का भी है, ठीक है। तो ये मैं अप्लाई कर चुकी हूँ। अब इसको अप्लाई करने के बाद में आपको वेट करना है, ठीक है। और वेट करने के लिए आपको तकरीबन लगेंगे 15 से 20 मिनट मिनिमम, ठीक है। तो मैं आपको मिलती हूँ इसके सूखने के बाद में। सो दोस्तों, जैसे आप देख सकते हो, ये लगभग अभी सूख चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इस पर थोड़ा सा है ना पानी स्प्रे करूंगी, ताकि ये थोड़ा सा गीला हो जाए, क्योंकि मुझे इसको रब करना है। हल्के हाथों से इसको इस तरह से रब करें, ठीक है। जो डेड सेल्स होंगे आपकी, डेड स्किन होगी, वो भी निकल जाएगी। और जो जितनी डेड सेल्स होगी, आप बोलोगे इससे तो निकल चुकी है, लेकिन जो जितनी डेड सेल्स होते हैं ना, जिनको स्क्रबिंग की जरूरत पड़ती है, वो इससे निकल जाएंगे। और मुझे रिजल्ट अभी से ही दिख रहा है गाइस, दिख रहा है मुझे रिजल्ट, ठीक है। इसको अच्छी तरीके से रब कर लीजिए, ये रब कर लिया है मैंने, तो अब इसको आपको वॉश कर लेना है। मैं क्या करूँगी, एक गीला कपड़ा ले रही हूँ और उससे मैं इसको वाइप करके दिखाती हूँ। और अब पारी आती है रिजल्ट की। सो दिस इज द रिजल्ट गाइस, आप देख सकते हो वो। और जैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने इसको पहले भी किया था, लेकिन ये चीज परमानेंट नहीं है, ये 8 से 10 दिन के बाद में फिर से आपका नेचुरल कलर ले लेगी। तो इसलिए आप इसको रिपीट करें एवरी 10 days 15 days के बाद में आप इसको रिपीट करें, ताकि ये चीज जो है आपकी मेंटेन रहे और आपकी स्किन जो है वो और ज्यादा निखरती रहे, ठीक है। लेकिन एक ही बार में आप देख सकते हो कितना ऑसम रिजल्ट आया है, ठीक है। वो मुझे नहीं पता कैमरा कितना इसको कैच कर पा रहा है, कितना आ रहा है, ये कैमरा भी मेरे से काफी दूर है, तो रियलिटी में जो मुझे दिख रहा है वो बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो गाइस, ये मुझे बहुत अच्छा लगा है, ठीक है। आप इसको ट्राई कर सकते हो, ये रिजल्ट आप अगर अचीव करना चाहते हो तो ये फॉर्मूला को आप बना सकते हो, ठीक है। इसको आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हो, मैंने कोई इसमें महंगी चीजें, कोई ऐसी चीजें जो आपको आसानी से नहीं मिलेगी, ऐसा कुछ भी यूज नहीं किया। इसको आप देख सकते हो मेरे फेस पे इतना कितना डिफरेंस आ रहा है। वाह, आप सोच रहे हो फाउंडेशन है, मैं आपको इस पर रब करके दिखा रही हूँ, कुछ भी नहीं है, ये ओरिजिनल मेरी स्किन टोन हो गई है और यहाँ की अलग हो चुकी है। मैं पूरे फुल बॉडी पे अप्लाई करने वाली हूँ, ताकि सारी चीजें जो वो एक जैसी हो जाए। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो और कैसा लगा आपको ये पैक? आप इसको जरूर ट्राई करने वाले हो या नहीं करने वाले, तो प्लीज इसको जरूर ट्राई करें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, प्लीज इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में जरूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना आप जाने की गलती ना करें। नीचे जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी जरूर टिक करते हुए जाए, ताकि मैं जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप तक वो पहले आए। तो चलिए खत्म करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सो गाइस, बाय।